ना चल रहा है। ऐसे में मुख्तार ने भी जेल में रोजा रखा था। गुरुवार को उसने शाम में रोजा खोला और तब से उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिर पुलिस की टीम उसे अस्पताल लेके गई, जिसके बाद उसे वहां पे मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। मुख्तार अंसारी 1996 में पहली बार विधायक बने और 1988 में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। 1988 में अंसारी के खिलाफ पहला केस भी दर्ज हुआ था। 60 से ज्यादा मामले मुख्तार पर फिलहाल दर्ज है। इसके अलावा इसको कृष्णानंद राय हत्याकांड में 10 साल की सजा सुनाई गई थी और उसके बाद आर्म्स लाइसेंस केस में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बस मुख्तार अंसारी का नाम ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का नाम अपराध की दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है। तो आज हम आपको बताएंगे मुख्तार अंसारी के परिवार का क्रिमिनल बैकग्राउंड। इसकी फैमिली के बारे में बात करें तो मुख्तार की पत्नी अफसा लंबे समय से फरार चल रही है। इतना ही नहीं, उस पर हजारों का इनाम भी रखा गया है। अब तक पुलिस उसकी पत्नी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अब पुलिस को इंतजार है, क्या मुख्तार अंसारी को आखिरी बधाई देने क्या उसकी पत्नी अफसा आएंगी। आपको बता दें कि अफसा पर 9 केस दर्ज है। अफसा ने मऊ के रैनी गांव के पास एक जमीन खरीदी थी, जिस पर एक कंपनी बनाई। यह कंपनी 5 लोगों के नाम दर्ज थी, जिसमें अफसा अंसारी का नाम भी शामिल था। जांच में पता चला कि यह जमीन अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई थी, जिसकी जबरन रजिस्ट्री करवा ली गई। इस मामले में अफसा कोर्ट में भी पेश नहीं हुई, जिसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। फिर 2022 में अफसा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की बात करें तो वो भी जेल में है और अब उन्हें पैरोल पर बाहर लाने की तैयारी चल रही है। उस पर भी 7 केस दर्ज है। वहीं मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी पर जालसाजी और अवैध कब्जे के आरोप है और उस पर भी 6 मुकदमे दर्ज है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्तार की बहू निखत अंसारी के खिलाफ उनके पति को जेल से भगाने और सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने का भी आरोप है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। इतना ही नहीं, मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ भी आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। साथ ही अफजाल सांसद भी है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।